हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यहाँ पर इसमें 4 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट जेई मेन के सॉल्यूशंस देखेंगे। एंड आई होप जो स्टूडेंट्स पेपर देखे हैं उनका पेपर काफ़ी अच्छा हुआ होगा। और लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी लाइफ की एक बड़ी टेंशन दूर हो गई, हमारा फाइनली एग्जाम निपट गया। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये सेट थ्योरी से रिलेटेड है कि एक सोसाइटी में 63% लोग न्यूज़पेपर ए रीड करते हैं और 76% लोग न्यूज़पेपर बी रीड करते हैं और एक्स परसेंट दोनों न्यूज़पेपर रीड करते हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि एक्स की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक, तो इसमें देखो, इसमें आपको ये बात समझनी है कि इस क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया कहीं पे एज सच कि सोसाइटी में जितने लोग हैं वो ए या बी में से ही कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मतलब आपको ए इंटरसेक्शन बी की एक रेंज निकालनी होगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले ये बोलेंगे कि हमें पता है कि एन ए इंटरसेक्शन बी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। ठीक, अब तुम ये सोचो कि अगर मैं यहाँ पर इनपुट कर दूँ 63 और यहाँ पर इनपुट कर दूँ 76, ठीक, तो ए इंटरसेक्शन बी की मिनिमम वैल्यू कितनी आ सकती। तो मिनिमम वैल्यू तब आएगी जब ये ए यूनियन बी मैक्सिमम होगा। और ए यूनियन बी मैक्सिमम कितने परसेंट तक जा सकता है, 100% तक जा सकता है, कि सारे के सारे लोग ए या बी में कोई ना कोई न्यूज़पेपर तो पढ़ ही रहे हो सोसाइटी में ना। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो 100 यहाँ पर रख दी, तो जब ए यूनियन बी मैक्सिमम होगा तो ये इंटरसेक्शन के लिए ये मैक्सिमम नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो वैल्यू मिनिमम आ जाएगी जो कि आ रही है 39, और वो 39% हो जाएगी। अब ये सोचो कि ए इंटरसेक्शन बी की मैक्स वैल्यू कितनी हो सकती है। तो मैक्स वैल्यू हमेशा, मान लो एक सेट में तुम ऐसे समझो दो एलिमेंट है, एक सेट में चार एलिमेंट है, तो इंटरसेक्शन में मैक्सिमम टू मैक्सिमम दो ही एलिमेंट तो आ सकते हैं ना। तो दोनों में मैक्सिमम कॉमन कितने हो सकते हैं कि जो दोनों न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, मैक्सिमम 63% ही कॉमन हो सकते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, 63%। ठीक है, तो हमसे यहाँ पर वैल्यू ऑफ, इसको परसेंट कर लेते हैं यहाँ पर, वैल्यू ऑफ एक्स परसेंट पूछी है कि कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 39 से 60, तो पॉसिबल वैल्यू जो इनके बीच में कोई ऑप्शन में आ रही होगी वही होगी। हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी की रेंज आ चुकी है 39% टू 63%, तो बीच में कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, केवल सी ऑप्शन मैच कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 55%। थैंक यू।